दोस्तों होगा टोगा प्ले में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप पबजी गेम को बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल मक्खन की तरह आप खेलना चाहते हैं मोबाइल फोन में तो कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए, 6 GB रैम होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों चीज है तो स्टोरेज भी काफी ज्यादा होना चाहिए तभी जाकर के पबजी काफी ज्यादा स्मूथ काफी मक्खन की तरह चलने लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में ढेरों सारे ऐसे लोग हैं जो बजट स्मार्टफोन यूज करते हैं, यानी कि 5000 से लेकर के 10000 वाला रेंज वाला मोबाइल फोन यूज करते हैं जिसके अंदर आपको 1 GB रैम दिखने को मिल जाएगा, स्टोरेज भी काफी कम मिलेगा। जो 2 GB रैम मिलेगा उसमें भी आपको काफी ज्यादा स्टोरेज कम होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास 3 GB रैम होगा तो उसमें भी काफी ज्यादा स्टोरेज कम होगा। और आप अपने फोन में जो ना ढेरों सारे से वीडियो रखते होंगे, फोटो रखते होंगे, ऐप रखते होंगे, इसके कारण आपका स्टोरेज जो ना फुल हो जाता है। और जब भी आप इन सभी मोबाइल फोन के अंदर 1 GB 2 GB या 3 GB रैम में मोबाइल फोन में पबजी गेम खेलेंगे ना तो आपका पबजी जो ना इतना ज्यादा लैग होगा, इतना ज्यादा हैंग करेगा, रुक रुक के चलेगा, हाई पिनिंग होगा, अच्छे से गेम नहीं खेल पाएंगे, एनिमी जो ना आपको मार के चला जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनेगा। यदि आप ये 5 मिनट का वीडियो देख लेते ना तो मैं आपको बताने वाला मोबाइल फोन की 3 ऐसी खतरनाक खुफिया सेटिंग बताऊंगा और ये सेटिंग जो ना कंपनी वाले खुद देते हैं। अगर आप पबजी हाई ग्राफिक्स में खेलना चाहते, पबजी को अच्छी तरह से स्मूथ बिल्कुल मक्खन की तरह खेलना चाहते वो भी बजट स्मार्टफोन में, यानी कि 1 GB 2 GB 3 GB मोबाइल फोन में, तो ये सेटिंग को आपको जरूर ऑन करना चाहिए क्योंकि ये सेटिंग काफी पावरफुल सेटिंग है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप इन सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते और मैं आपको बता देता कि वो कौन सी सेटिंग है जिससे कि आप बजट स्मार्टफोन में पबजी को बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल मक्खन की तरह आप खेल पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा प्ले यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या करता हूं कि आप अपने फोन के सेटिंग में चले जाना होगा। जैसे आप अपने फोन के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहां पे अवॉर्ड फोन। तो जैसे अवॉर्ड फोन में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको बिल्ट नंबर होगा, किसी फोन के अंदर वर्जन होता है, किसी फोन के अंदर MIUI वर्जन होगा। तो आपको बिल्ट नंबर को 7 बार दबाएंगे ना तो एक हिडन सेटिंग होगा जिसका नाम है डबल पोर्ट ऑप्शन। दोस्तों डबल पोर्ट ऑप्शन एक ऐसा मात्र गेमिंग सेटिंग है जो बहुत ही कमाल की ऐसा सेटिंग मिल जाएगा गेमिंग का जो आपका पबजी जो है ना बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा यदि आपका बजट स्मार्टफोन है तो। तो जैसे आप 7 बार दबाएंगे ना तो आपको डबल पोर्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो आपको एडेंटल सेटिंग के अंदर डबल पोर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे डबल पोर्ट ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहला सेटिंग बता देता हूं वो है स्टोरेज का प्रॉब्लम। यानी कि दोस्तों आपके फोन के ढेरों सारे ऐसे मतलब कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेंगे, वीडियो को इंस्टॉल करके रखेंगे या आप मतलब कि फोटो वगैरह आप स्टोर करके रखेंगे तो आपका जो स्टोरेज है ना काफी ज्यादा फुल हो जाता है। लेकिन पबजी जब भी खेलेंगे ना तो कम से कम स्टोरेज 3 GB खाली होना चाहिए। तो आप 3 GB खाली करने के लिए ढेरों सारे ऐसे ऐप को डिलीट करना होगा, वीडियो को डिलीट करना होगा, फोटो को डिलीट करना होगा जो आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा कुछ भी डिलीट भी ना हो और मेरा पबजी मक्खन की तरह चलेगा तो ये सेटिंग बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पबजी को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं पबजी को ओपन करता हूँ ना, जैसे मैं पबजी को ओपन करूंगा तो यहाँ पे बताएगा रिलीज, यानी कि कभी कभी मेरा 1 GB बताता है, कभी कभी 700 MB बताता है, कभी कभी 500 MB बताता है कि आपका इतना खाली होना चाहिए तभी जाकर के मैं पबजी को खेल पाऊंगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके फोन में रैम 1 GB है या 2 GB 3 GB है तो कम से कम वो भी आपको 500 रैम खाली होना चाहिए। यदि आप ये दोनों खाली होगा ना तो काफी स्मूथ काफी मक्खन की तरह चलेगा। तो कैसे खाली कर पाएंगे स्टोरेज को बिना कुछ डिलीट किए, तो आपको नीचे जाना होगा, ठीक है। नीचे जाएंगे आपको एक सेटिंग मिल जाएगा, वो कौन सी सेटिंग यहाँ पे देख रहे हैं, फोर्स अलाउ ऐप एंड एक्सटर्नल, यानी दोस्त नजर आता होगा फोर्स अलाउ ऐप एंड एक्सटर्नल। तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद क्या करना होगा कि आप अपने फोन में जो है ना कोई भी एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो एप्लीकेशन है मैंने यहां पे अनइंस्टॉल कर दिया, जैसे कि मैंने यहां पे ये वाला एप्लीकेशन मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो अनइंस्टॉल करने के बाद क्या करना है कि फिर से आपको जो है ना प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों
उन्हीं एप्लीकेशन को ना फिर से आपको जो ना इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके जो मेमोरी कार्ड होता है ना इंटरनल स्टोरेज उसके अंदर स्टोर नहीं होगा, आपके पास जो एक्सपेंडेबल होगा ना मेमोरी कार्ड उसके अंदर डायरेक्ट जो ना आपका डेटा वेटा स्टोर हो जाएगा, जिससे कि आपका इंटरनल स्टोरेज जो ना खाली हो जाएगा और आपका पबजी बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलने लगेगा। जी हाँ, तो इस सेटिंग का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता दूसरा सेटिंग के बारे में। दोस्तों ये जो दूसरा सेटिंग काफी हाई पावर सेटिंग है जो आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप पबजी गेम खेलते हैं तो काफी ज्यादा लैग होने लगता है, काफी ज्यादा रुक रुक के चलने लगता है, क्योंकि आपके फोन में रैम कम है तो ये तो प्रॉब्लम होगा ही। लेकिन मैं आपको रैम का प्रॉब्लम का समस्या में दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, या बैकग्राउंड पोर्सेज लिमिट होगा, इसको क्या कर देना होगा कि नो बैकग्राउंड पोर्सेज लिमिट पे क्लिक कर देना होगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे डू नॉट कीप एक्टिव होगा, इसको भी क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहां पे होगा विंडोज एनिमेशन जूम, इसको भी क्लिक कर देना होगा। टासनेशन एनिमेशन स्किल, इसको भी ऑफ कर देना होगा। और यहां पे आपको डू टू स्किल होगा, इसको भी ऑफ कर देना होगा। यदि आप ये तीन सेटिंग को ऑफ कर देते तो इसका क्या क्या मतलब है। सबसे पहला दोस्तों एक सेटिंग का मतलब बता देता हूं कि इससे क्या फायदे होंगे। जैसे कि बैकग्राउंड पोर्सेस लिमिट, यानी कि दोस्तों आपके बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन रनिंग में चलता है इन सभी के वजह से भी जो ना आपका रैम जो ना यहाँ पे फुल बताने लगेगा, जिससे कि आपका प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखा होगा डू नॉट कीप एक्टिव, यानी कि दोस्तों आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज करते ना, जैसे कि हाई पिनिंग होने लगता है तो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में एक्टिव हो जाता है, सभी लोग जाना मतलब यूज भी नहीं करेंगे ना तो डेटा आपको एक्टिव होने लगेगा। तो आप क्या करेगा कि वो सभी एप्लीकेशन को जो ना एक्टिव को हटा देगा, नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो आपका पबजी जो ना हाई पिनिंग नहीं होगा। तो इस सेटिंग का ये मतलब होता है। उसका दोस्तों यहां पे मैंने तीन सेटिंग को मैंने ऑफ किया था, विंडोज एनिमेशन, टासनेशन एनिमेशन, डू टू जूम स्किन। तो ये तीनों सेटिंग को मैंने ऑफ किया ना, तो इससे क्या फायदे होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पे प्ले स्टोर को मैं ओपन करता ना तो यहां पे जो एनिमेशन होता है ना, जो पॉपअप एनिमेशन आता है, वो एनिमेशन यहां पे ज्यादा नहीं लेगा। जी हां, ये एनिमेशन आपको ज्यादा नहीं लेने वाला है। तो इससे आपका पबजी गेम खेलने के दरमियान काफी ज्यादा स्मूथ मक्खन की तरह चलने लगेगा। जी हाँ, तो यही सेटिंग था जो मैंने आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यहाँ पे लाइट कट गया था तो मैं इसी तरह से मैंने वीडियो बना दिया हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।